वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये नंबर्स हमारे पास रैशनल हैं या इरेशनल हैं। ठीक है, स्क्वेयर रूट 23 है, फिर स्क्वेयर रूट 225 है, फिर हमारे पास 0.3796 है, फिर हमारे पास 7.478478 है, देन हमारे पास 1.10100100100001000001 सो ऑन है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयर रूट हमारे पास 23 है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास स्क्वेयर रूट 23 किसके इक्वल है, 4.795831523331 सो ऑन। ठीक है, इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द नंबर, ये जो नंबर है हमारे पास, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, कि हमारे पास ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता है ना, यहाँ पर देखें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 36 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं रिमाइंडर आया तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये चलता जा रहा है, यहाँ पे रिपीट भी होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो समझ आया, टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, रिमाइंडर में हमारे पास नहीं आता, जो चलता जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो नॉन रिपीटिंग होता है उसको कहते हैं। ठीक है, रिकरिंग रिपीटिंग को कहते हैं और नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग को कहते हैं। रिपीटिंग अब क्या है हमारे पास, कि ये है ना इतना ब्लॉक, ये रिपीट हो रहा हो, बार बार हो ही जा रहा हो। यहाँ पे देखें, जैसे ये देखें 2 का जब 11 से डिवाइड करते हैं हम, तो 0.18 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 18 फिर आएगा 18 ही चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जीरो लेते हैं हम यहाँ से, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 वंस आए तो 11 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर हम जीरो लेंगे तो देखें हमारे पास यही आता जाएगा, माइनस करने पर 2 आएगा, फिर करने पे 9 आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 1 लेते जाएंगे, 8 लेते जाएंगे, 1818, तो ये चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इसको रिकरिंग कहते हैं। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग क्या है, कि इसका जो ब्लॉक है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तो वो रिपीट नहीं हो रहा। सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देयरफॉर, तो हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, कि ये क्या है, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स तो ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 के नीचे हमारे पास यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। 19/30 है, भी पी बाय क्यू की फॉर्म में है, 2 के नीचे भी आ सकता है कुछ भी, 1, इसी तरह 3 के नीचे भी, 9/-3 है, यहाँ पे -12/7 है, सो ऑन। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, और ऐसे नंबर जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते या पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। उसमें स्क्वेयर रूट 2 है, स्क्वेयर रूट 3 है, स्क्वेयर रूट 5 है, स्क्वेयर रूट 11 है, स्क्वेयर रूट 21 है, सो ऑन, पाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है, आगे तो हमारे पास ये सारे क्या हैं, ये अब हमने स्क्वेयर रूट 23 यहाँ पे लिखा, वो इसके इक्वल था, तो यहाँ पे हमने कह दिया कि नंबर जो है वो ये वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है इसका जो पॉइंट के बाद ब्लॉक है, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब 225 है स्क्वेयर रूट के अंदर, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, स्क्वेयर रूट 225 किसके इक्वल होता है, इसको सॉल्व किया जाए तो 15 आता है, 15 के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमें पता जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, जैसे जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने बताना है कि ये नंबर या तो रैशनल है या इरेशनल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस द नंबर, नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये फिर रैशनल होगा। तो सिंस द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाय क्यू फॉर्म, सो इट इज रैशनल। रैशनल, ठीक है, मैं आपको रैशनल का भी दिखाई है ना एग्जांपल्स, तो ये रैशनल नंबर है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है 0.3796। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 0.3796, सिंस द नंबर लिख लें, या सिंस 0.3796 इज टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पे ये आगे सो ऑन नहीं जा रहा, या तो इस तरह हो तो ये सो ऑन है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये टर्मिनेटिंग है, सिंस 0.3796 इज टर्मिनेटिंग
सो इट इज रैशनल नंबर. ठीक है, ये भी रैशनल है क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है. उसके बाद हमारे पास 7.478478 की बात की जाए तो यहाँ पे ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है. ठीक है, रिकरिंग कैसे रिपीट हो रहा है, 478 है वही ब्लॉक रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद 478. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो नंबर है हमारे पास, नंबर क्या है 7.478478 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. यस, हमारे पास यहाँ पे सोन है. ठीक है, क्वेश्चन में सोन था तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ पे मैंने लगा लिया. अच्छा, हमने लिखना है सिंस 7.478478 सो ऑन. ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ से ये ब्लॉक पॉइंट के बाद ये वाला जो ब्लॉक है ना 478 ये रिपीट हो ही जाएगा हमारे पास. तो हम लिखेंगे सिंस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, स्टॉप नहीं हो रहा. ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. रिकरिंग किसको कहते हैं, रिपीटिंग को कहते हैं. ठीक है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग को कहते हैं और रिकरिंग रिपीटिंग को कहते हैं. रिपीटिंग का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा हो, यहाँ पे ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, हो ही जाएगा हो ही जाएगा. ठीक है, और नॉन रिपीटिंग में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखें जैसे स्क्वायर रूट 3 इसके इक्वल है ना, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आगे भी आई जाएगा लेकिन हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक रिपीट नहीं होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे कह दें कि ये है तो यहाँ पे रिपीट हो जाए तो नहीं ना हो रहा, तो ये सारे नॉन रिकरिंग है. ये नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग को कहते हैं. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे देखें रिपीट हो ही जाएगा सो ऑन, तो ये है हमारे पास रिकरिंग है. ठीक है, तो अब हमने बताना है कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है, तो हम कहेंगे सो इट इज़ रैशनल. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो ये रैशनल है. हमारे पास अब ये 1.10100100000 सो ऑन ये है. और ठीक है, ये हमने बताना है कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है, तो हम लिख देते हैं सिंस नंबर नंबर. ठीक है, नंबर लिख दें यहाँ पे, ये 1.10100100000 सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज नॉन टर्मिनेटिंग. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा ही है चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, नॉन रिपीटिंग है ना, ये नॉन रिपीटिंग कैसे है, ये रिपीटिंग था ना, ये ऊपर वाला, ये नॉन रिपीटिंग कैसे है, मतलब रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 101 है. या आप यह बात कर लें 10 की, तो 10 है फिर 100 है फिर 1000 है फिर 10,000 है. ठीक है, ऐसा तो नहीं है 10 10 10 ही आई जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, या 101 है तो 101 ही आगे आता रहे, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप भी नहीं हो रहा और रिपीटिंग नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग कहते हैं. ठीक है, नॉन रिकरिंग यहाँ पे लिख लेते हैं. सो इट इज ए रैशनल नंबर. समझ आया, तो ये हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके. ठीक है, बताना था कि यहाँ पे जो ये नंबर्स हैं ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं. ठीक है, इनके टाइप के अकॉर्डिंग बताना था. तो हम लोगों ने पहले स्क्वायर रूट 23 को यहाँ पे लिखा कि स्क्वायर रूट 23 किसके इक्वल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो ये चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमने बता दिए ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल है. ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर ये इरेशनल है कि नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल है. फिर बात आई थी स्क्वायर रूट 2 to 5 की, तो वो हमारे पास 15 के इक्वल होता है और 15 के नीचे हमने 1 लगा लिया, तो ये नंबर हमारे पास, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसका मतलब ये इरेशनल है. फिर 0.3796 की बात करें तो ये भी टर्मिनेटिंग है और फिर ये इरेशनल नंबर है. और यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो इसलिए ये रैशनल है. और यहाँ पे ये क्या है, इसका बता चुकी हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल है. होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर.